पैमाने पे तुले हो, तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे तुले हो, कैसा है देश कैसा बनाने पे तुले हो, तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे तुले हो, कैसा है देश कैसा बनाने पे तुले हो। एक वो भी कन्हैया थे एक तुम हो कन्हैया, तहजीब खाक में जिंदाबाद अखिलेश द्विवेदी जिंदाबाद। अब यार ये माला साला वाला चक्कर न चलाओ, तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे तुले हो, कैसा है देश कैसा बनाने पे तुले हो, एक वो भी कन्हैया थे एक तुम हो कन्हैया, क्यों नाम कन्हैया का डुबाने पे तुले हो। और भाई देखिए ये जब ओरिजिनल पोएट खड़ा होगा तभी तो आप लोगों को ताली बजेगी। देखिए चार लाइन और पढ़ता हूँ और यहाँ से भी आपसे चौथी पंक्ति में समर्थन मांगता हूँ भैया। स्वागत कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरावाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और पढ़ें कि बस करें, अब शांत हो जाएं आप, मैं पढ़ता हूँ। जब मैं देखिए भाई साहब, मैं अपने घर में इतना अपमान पाया हूँ, आप लोग बधाई के पात्र हैं कि मुझे आप लोग इतना सम्मान देते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, आप बधाई के पात्र और मैं महापात्र। मैं पढ़ता हूँ और यहाँ से भी समर्थन की आपसे। मैं देखिए, मैं अपने प्रदेश के प्रेरणा पुरुष को प्रणाम करता हूँ और तब पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी, 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी, 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। फारूक भाई यहाँ आए, आप लोग सुनते जाए, बस हम जोन लाइन पढ़ा वही में वंश मोर कर को कहा चाहत हो कि मैंने हम गई गुजरी देह पर एकदम मरीन जाएगा। हाँ स्वागत। कि 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी,
फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता न चिंता शमशान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और थोड़ा सा आप दो बरस पहले का चुनाव दिल्ली में रखें, एक पार्टी 33 सीट पाई थी, 3 पर उतर गई। मैं सबसे बड़े पार्टी के माने देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्तित्व पर टिप्पणी करता हूँ, आप लोग मेरा समर्थन करें। मैं पढ़ता हूँ कि बड़े 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 बह गए सनम, फिर बात तुम्हारी क्या है। बड़े बड़े बह गए सनम, फिर बात तुम्हारी क्या है। आपके आगे दिल्ली में औकात तुम्हारी क्या है। बड़े बड़े बह गए सनम, फिर बात तुम्हारी क्या है। आपके आगे दिल्ली में औकात तुम्हारी क्या है। मार के झाड़ू 30 सीट तुम्हारी झोली से छीना, मार के झाड़ू 30 सीट तुम्हारी झोली से छीना। सिकुड़ के आधा हो गया भैया 56 इंची सीना। मार के झाड़ू 30 सीट तुम्हारी झोली से छीना, सिकुड़ के आधा हो गया भैया 56 इंची सीना। तो अर्थी निकल गई झूठे गुमान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और पढ़े थोड़ा सा पूरब चलो, आप पूरब थोड़ा सा चलो। देखिए धरती का 8वां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपने अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है, जो 3 महीना तक केवल सर राबड़ी देवी सीखने में गुजार देती हैं। इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता, मगर इस समय दो के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली। मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली। मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली। तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराए, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराए। गोबर पाथे दूध पिए अपना परिवार बढ़ाए। किसको फिकर है पटना सिवान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। मगर मेरे जीवन का यह दुर्भाग्य सर कि मैंने ही राबड़ी देवी का प्रचार भी किया था, और प्रचार कार्य के दौरान कुटीर उद्योग की नई परिभाषा पूरे राष्ट्र को दी थी। कुटीर उद्योग मैंने जो छोटे स्तर पर किया जाए पंक्तियाँ बर्दाश्त कि पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो। बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो। मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा। बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा। तो लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और देखें मैं यहाँ से उन लोगों को जो अपने नाम के आगे बड़े गर्व के साथ दुबे तिवारी ओझा पांडे शुक्ला लिखते हैं, थोड़ा मैं उनको धिक्कारता चलूं। पंक्तियां एकदम अपने प्रदेश से कहने का और एकदम देशभक्ति के चाशनी में डूबो चुका, पंक्तियां बर्दाश्त करें कि कितने कितने शुक्ला दुबे आए पांडे और तिवारी, कितने शुक्ला दुबे आए पांडे और तिवारी।
चाट चाट के चरण हो गए माया के दरबारी। कितने शुक्ला दुबे आए पांडे और तिवारी, चाट चाट के चरण हो गए माया के दरबारी। झूठ नहीं कहता हूँ सच कहने की है बीमारी, झूठ नहीं कहता हूँ सच कहने की है बीमारी। बिना भाव के जाएंगे एक दिन सतीश मिश्रा जी। तो जात की चिंता न है स्वाभिमान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और देखिए जिस शहर से मैं आई हूँ, अब ये व्याकरण की दृष्टि से आपको गलत लगे तो लगे, मगर मेरी पैदाइश उस शहर में है जहाँ दूसरी राधा का जन्म हुआ है भाई साहब। अब पुलिस का आईजी भी स्त्री लिंग में बात करती है, तो मैं भी करूंगी और आप सब लोग बर्दाश्त करेंगे कि कान में बाली होठ पे लाली कड़ा हाथ में डाले, कान में बाली होठ पे लाली कड़ा हाथ में डाले, देह पुरुष का नारी सा श्रृंगारी ये करने वाले। कान में बाली होठ पे लाली कड़ा हाथ में डाले, देह पुरुष का नारी सा श्रृंगारी ये करने वाले। नकवर नागर नंदा का भी जोश पड़ गया।